बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास सेवन की साइंस हमने डिस्कस करनी है, लेक्चर नंबर 11। सो स्टूडेंट्स, आपसे डिस्कस करते चलें, प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट कर दिया था, अब हमने जो है यूनिट नंबर 2 वो उसको डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करना है, टॉपिक है आपके पास हीट, ये आपके यूनिट नंबर 2 का नेम है। सब टॉपिक में आपको वर्ड्स मीनिंग में करवाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे दूं कि इसमें आपने रीड आउट क्या करना है। फर्स्ट जो आप टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें, वो आपके पास होगा ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट की यानी कि हरारत का इंतकाल, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हीट कैसे ट्रांसफर होती है इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। सेकंड चीज है कंडक्शन, फिर उसके बाद थर्ड टर्म कन्वेक्शन, फोर्थ रेडिएशन है। ये जो तीनों टर्म्स हैं इसके बारे में भी क्लियरली शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। मीनिंग मैंने आपको इसके ऐड किए हुए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ क्या है इसका। और फिफ्थ जो होगा वो आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ गुड एंड बैड रेडिएटर्स, अच्छे और बुरे रेडिएटर्स के क्या इस्तेमाल हैं वो भी हम लास्ट टॉपिक में इसमें डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग कौन से इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के। ओके, फर्स्ट जो है आपके पास वो है हीट, वो आपके ऑब्वियसली चैप्टर का नेम है, वो ऐड करना जरूरी था। फर्स्ट इज हीट, गर्मी। सेकंड ट्रांसफर, मुंतकिल करना, किसी चीज को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब आप मुंतकिल करते हैं तो उसको ट्रांसफर कहा जाता है। ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना। ओके, उसके बाद है कंडक्शन, मुंतकिल करना या रसाई, तो इनमें थोड़ा सा जो है मीनिंग का ट्रांसफर और कंडक्शन का ऑलमोस्ट एक ही है। रेडिएशन होता है तापकारी, रेज का निकलना, जैसे कोई हम एक्टिविटी करते हैं यूरेनियम वगैरह की कोई भी, तो उसमें से क्या होता है रेडिएशन उन एक्सपेरिमेंट्स में प्रोड्यूस होती हैं या रिलीज होती हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं तापकारी का। अच्छा, उसके बाद है एक्सपेरिमेंट होता है तजुर्बा, किसी भी काम का आपने करना हो लेबोरेटरी में, सो हम यूज करते हैं वर्ड एक्सपेरिमेंट उसके लिए। वैक्यूम खला को कहा जाता है, बिल्कुल खाली। अच्छा, यहाँ पर है प्रोसीजर होता है आपके पास तरीकाकार, किसी काम करने का क्या तरीका है वो हम देखते हैं। उसके बाद है आपके पास मेटल होती है धात से मुराद मेटल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेटल कोई भी चीज ऐसी जिसमें से करंट गुजर जाए या हीट गुजर जाए वो भी हम इस फॉर्म में उसको ले सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल होती है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर वगैरह। फिर आपके पास मूवमेंट है हरकत करना किसी भी चीज का। सरफेस होती है आपके पास सतह, सरफेस जो होती है स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेंटिलेटर वर्ड है रोशनदान, इसका भी थोड़ा सा वेंटिलेशन का प्रोसेस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। सप्लाइड का मतलब होता है मुहैया करना, जैसे वाटर सप्लाई या फिर हम अगर रेडिएशन की सप्लाई या किसी भी चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।